पोहा बनाना तो सभी को आता है लेकिन आज मैं आपके लिए जो पोहे की रेसिपी लेकर आई हूँ ये बिल्कुल अलग है तरीका वही है सिंपल तरीका है लेकिन इसमें मैंने कुछ ट्विस्ट डाला है बिल्कुल नया रेसिपी और हमेशा की तरह मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है घर का इन्ग्रीडियंट के साथ चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बिल्कुल आसान तरीके से जब आप पोहा बनाते हैं तो कोशिश करें पतला वाला पोहा लेने का ये वाला इसको मैंने दो से तीन बार अच्छे से पानी से धो लिया है सारा पानी निकाल दिया है उसमें पानी नहीं रखें उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालेंगे तो मैंने यहाँ पर एक चौथाई चम्मच नमक डाला थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए थोड़ा सा ही हल्दी है, और थोड़ा सा यहाँ पर मिर्ची डालेंगे मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसको मिला के साइड में रखेंगे तब तक पोहे की तैयारी करेंगे ये सब चीज़ जब आप करते हैं तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो हमारा पोहा है उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए पोहा को आप अच्छे से धो के अलग रख दें या तो आप क्या करें जिस छन्नी में धोते हैं छन्नी में ही उसको रख दें जिससे उसका पानी है उसका आराम से निकल जाएगा पानी नहीं रहना चाहिए बस इसका ही ध्यान रखना है अब पैन गर्म करेंगे किसी भी पैन या कढ़ाई में आप ले सकते हैं उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है दो चम्मच ही तेल डालें इतना पोहा के लिए तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज और मिर्ची डालेंगे और उसको हल्का सा भून लेना है तो यहाँ पर मैंने प्याज के इस तरीके से लंबे लम्बे काटे हैं और मिर्ची को भी लम्बे लम्बे काटे हैं इससे क्या होगा कि हमने मिर्ची पहले भी पोहा में डाला है जिसको मिर्ची नहीं खाना होगा वो मिर्ची साइड कर देगा निकाल देगा इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं चिकपी डाल रही हूँ व्हाइट चना जो होता है ना वो डाल रही हूँ तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डालना है एक चौथाई कप डालना है ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ पर आप चाहे तो ब्लैक चने को भी डाल सकते हैं इसको मैंने पहले से उबाल लिया है तो ये उबला हुआ चना है पका हुआ चना है तो इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है बस दो मिनट के लिए चला लेना है इस तरीके से देखिए मैं कैसे चला रही रहे दो मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है अगर आपको लगे नमक कम है तो यहाँ पर एक चुटकी नमक डाल दें मैंने नमक नहीं डाला है यहाँ पर आप चाहें तो चना की जगह मूँगफली भी डाल सकते हैं लेकिन मूँगफली को आपको प्याज से पहले भून लेना है हल्का सा उसके बाद इसमें डालना है और अगर आप चना डालते हैं चना को पहले उबाल लेना है उसके बाद डालना है तो इसके बाद इसमें हमने जो पोहा बना के रखा है वो डालेंगे सभी पोहा को इसमें डाल दें पोहा में हमने नमक मिर्च हल्दी पहले से मिला रखा है तो अभी इसमें कुछ नहीं डालेंगे बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करें आँच को कम कर दें और इसको अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए चला लें पोहा को हल्का सा फ्राई कर लेना है आँच को धीमी रखें इसको हल्का सा चलाते रहें इसे पोहा में जो है ना स्वाद अच्छा आता है हल्का सा जो पानी रहता है वो सूख जाता है और पोहा का स्वाद बढ़िया हो जाता है इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर अगर आपको पसंद है तो आप एक टमाटर डाल दें मैंने यहाँ पर आधा टमाटर डाला है थोड़ा सा यहाँ पर नींबू का रस डालेंगे नींबू का रस डालने से ना ये चटपटा बनता है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाला है आप चाहें तो यहाँ पर एक चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं चीनी टमाटर और नींबू का रस का जो स्वाद है वो पोहा में बहुत बढ़िया आता है लेकिन ऑप्शनल है अगर आपको चीनी वगैरह नहीं डालना है तो आप बिना चीनी का भी बनाएं अच्छे से खट्टा वाला स्वाद आता है बहुत स्वादिष्ट बनता है यहाँ पर इसको दो मिनट के लिए और चला लेंगे आँच को मीडियम पर ही रखेंगे चूड़ा को फ्राई नहीं करना है बस ऐसे ही चलाते रहना है तो ये हमारा जो पोहा है वो बन के तैयार है बस इसको और नहीं पकाना है ऊपर से आप यहाँ पर थोड़ा सा धनिया के पत्ता डाल दें यहाँ पर ये यह लाल हरा पीला हमारा कलरफुल पोहा बन के तैयार है धनिया का पत्ता डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिला देंगे जब आप इसको मिलाते हैं आँच को बिल्कुल कम कर गैस को बंद नहीं करना है कम करना है इसका आपको ध्यान रखना है और ये हमारा पोहा बन के लगभग तैयार है लेकिन जब पत्ते होते हैं आप डाल देते हैं सभी चीज़ें उसके बाद भी दो मिनट अगर धीमी आँच पे इसको रखेंगे ना जो हमारा पोहा है उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से धीमी आँच पर कोई भी खाना पकता है तो स्वाद अच्छा हो ही जाता है तो ये हमारा स्वादिष्ट पोहा बन के तैयार है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिल्कुल आप अपना गैस को बंद कर दें और इसको सर्व जब करते हैं आप तो गर्मा गर्म सर्व करें गरम गरम पोहा वैसे भी अच्छा लगता है इस तरीके से चना वाला पोहा एक बार ज़रूर बनाइएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप इसको सर्व करने से पहले आप चाहें तो इसके ऊपर से सेवई डाल सकते हैं या कुछ भी क्रिस्पी करंची डाल सकते हैं अगर आपको करंची खाना क्रिस्पी खाना पसंद है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो भुजिया होता है ना आलू का ये डाल दिया है इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्ची ज़्यादा डाल दें चटपटा ज़्यादा खाते हैं थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं मैंने वो सब चीज़ें नहीं डाली है मैं आपको बोल रही हूँ और ये हमारा स्वादिष्ट पोहा बनकर तैयार है जिसको बनने में आपको दस से पंद्रह मिनट लगेगा टोटल ज़्यादा ताम झाम नहीं है इसमें अगर आप इस तरीके से एक बार बनाइए चने का पोहा पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें